जो सेफ लैंडिंग है, सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग पर हल्की सी क्लैपिंग। मैं रुखसार हसन, अली हैदर, मोहम्मद अमजा, मैं रहमतुल्लाह, अली शान, बिल मोहम्मद लाल, मोहम्मद शहराज, नाम बताते जाए, बिलाल, शान, मोहम्मद बिलाल चदर, शादर, यासीन, मोहम्मद अब्दुल्ला चदर। तो जी आज बच्चे भी मेरे साथ हैं, जिस तरह मैंने कल आपको कहा था कि मतलब कि मैं गर्व बात ये इंडिया की बहुत बड़ी सक्सेस है और इंडिया ने कामयाबी अपनी समेटी और इसके बारे में बच्चों को भी जानकारी दूंगा कि बच्चे जो है मतलब उनको भी पता चले, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं या पढ़ते हैं उनको पता चले कि इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है, वो चांद पर पहुंच गया और हम कहां पहुंचे हैं, इसके बारे में बच्चों को इलम और जानकारी होनी चाहिए। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बच्चों को मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि मतलब ना ये किस तरह लैंड किया, इसके मकासद क्या है, इसमें कितना खर्चा है, सारा कुछ, और इंडिया कामयाबी पर बात भी करेंगे। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। एक किलोमीटर दूर है, एक किलोमीटर 226 मीटर, एक किलोमीटर 183 मीटर, एक किलोमीटर 142 मीटर, एक किलोमीटर 104 मीटर, एक किलोमीटर रह गया, आखिरी एक किलोमीटर रह गया और लैंडर अब सीधी पोजीशन में आ रहा है। लैंडर अब सीधी पोजीशन में आ रहा है, जी हाँ, लैंडिंग की पोजीशन में सीधा हो गया लैंडर। लैंडर सीधा हो चुका है, अब ये लेग्स उसकी बिल्कुल, लैंडर की जो लेग्स हैं वो बिल्कुल सतह के ऊपर आ गई है, सीधा हो चुका है लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सीधा हो चुका है, एक किलोमीटर से भी कम, 812 मीटर, 812 मीटर की ऊंचाई है इस वक्त। लैंडर विक्रम सीधा हो चुका है, सारे साइंटिस्ट में खुशी की लहर, पूरा देश गर्व से, पूरे देश का सीरा फूल रहा है इस वक्त। 0.725 मीटर की पर सेकंड की स्पीड आ गई, स्पीड बहुत कम आ चुकी थी, बहुत कम स्पीड आ चुकी है और अब ये बिल्कुल लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है, ये लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है। ये देखिए डिस्टेंस बहुत कम, अगर हम इस टॉप कॉर्नर पे देखें तो वहां स्पीड भी दिख जाएगी। जी हां, 709 लूना सरफेस, 702, 687 जी, आप अपने 687 मीटर कि लैंडर क्या हाइट इस वक्त लगभग 600 मीटर ऊपर है, सिर्फ होल्ड किया हुआ है अभी, वो हूवर कर रहा है वहां पे, अभी वो सेफ लैंडिंग, लगभग 600 मीटर के आसपास की ऊंचाई, 500 के आसपास ऊंचाई हो रही है जी, 541 मीटर, 524 मीटर, आधा किलोमीटर ऊपर ही है, 500 मीटर, 493 मीटर अब बिल्कुल सीधा हो गया है और वो नीचे बस उतर रहा है, 421 मीटर पहुंचने वाला है चंद्रयान, 395 मीटर, 378 मीटर, 350 मीटर, 345 मीटर, 338 मीटर, 331 मीटर, बहुत करीब आ रहा है चांद, चांद 316 मीटर दूर, चांद 294 मीटर, चांद 294 मीटर, 261 मीटर, 253 मीटर, 246 मीटर, 241 मीटर, 234 मीटर, 229 मीटर, चांद 218 मीटर दूर, 214 मीटर, 209, 204, 200 मीटर दूर चांद, 196, 191, 188, 184, 181 कम आ चुके हैं, चांद 175 मीटर दूर, 170 मीटर दूर चांद, लैंडर पहुंच गया है 163 मीटर ऊपर है, 161 मीटर ऊपर है, 158 मीटर ऊपर है, 157, 156, 154, 153, 152 मीटर, 151 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर ऊपर है विक्रम लैंडर, 149 मीटर, और स्पीड धीरे होती जा रही है, और स्पीड धीरे होती जा रही है, अब नियरली 150 मीटर्स अबाउट द लूना सरफेस, बूस्टर बंद हो चुके हैं, गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, थ्रस्टर बंद हो चुके हैं, थ्रस्टर बंद हो चुके हैं, अब वो खुद लैंड कर रहा है, वो 152 मीटर पर जगह ढूंढ रहा है लैंड करने की, ये बढ़ गई, थोड़ा बढ़ गई, वो दोबारा दूसरी जगह डिस्टेंस बढ़ गया, अब दूसरी जगह देख रहा है शायद, क्योंकि ये 150 मीटर, 100, अब विक्रम लैंडर जगह ढूंढ रहा है कि कहां पे लैंड करना है, और नीचे लैंड करना उसने शुरू किया, 139 मीटर, 134 मीटर,
150 मीटर पर थोड़ी देर वो रुका था, वो देख रहा था जगह, अब वो 127 मीटर की ऊंचाई पर है, 118 मीटर की ऊंचाई पर है, ये सब उसका कंप्यूटर अपने आप कर रहा है, ये 112 मीटर यहां से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सब विक्रम लैंडर का कंप्यूटर कर रहा है। अब ये 112 मीटर 110 मीटर की ऊंचाई पर, अब 74 मीटर 72 मीटर 70 मीटर 68 मीटर 67 मीटर 65 मीटर 64 मीटर 63 मीटर ये आ गया, चांद आ रहा है, चांद आ रहा है, चांद पहुंच रहा है, चांद के करीब। टू इंजन्स आर नाउ बीइंग फायर्ड एंड वी आर नियरली एट जीरो वेलोसिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वी आर होवरिंग एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द मून सरफेस। 64 मीटर की ऊंचाई, 61 मीटर, 59 मीटर, 56 मीटर, 55 मीटर, 52 मीटर, 50 मीटर, 47 मीटर, 45 मीटर, 41 मीटर, 39 मीटर, 37 मीटर, 35 मीटर, 33 मीटर, 31 मीटर, प्राइम मिनिस्टर 27 नरेंद्र मोदी जी, चांद 23 मीटर, 22 मीटर पहुंच गया लैंडर, 19 मीटर लैंडर पहुंच गया, पहुंच रहा है विक्रम, बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब। अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब देखिए कुछ ही पल, ये पल, जी हाँ, आप लैंडिंग देख सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, लैंडर मॉड्यूल, भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं कर पाया, तिरंगा प्रधानमंत्री के हाथ में, तिरंगा हिंदुस्तानियों के दिल में, तिरंगा लहराता हुआ चांद पर, विक्रम लैंडर सफल लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, चांद पर लैंडिंग, विक्रम लैंडर चांद पर। तस्वीरें देखिए आप इसरो से, तस्वीरें देखिए इसरो से, मैं कहूंगा एनिमेशन हटा के हम तस्वीरें दिखाएं, चांद पर लैंडिंग देखिए किस तरीके से हुई है, एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। दुनिया के किसी देश ने यह हासिल नहीं किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। सर, आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड ब्लेस अस। थैंक यू सर। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण बच्चों, ये इंडिया ने एक अपनी समझ एक दुनिया में तारीख रकम कर ली। सबसे पहले उनकी जो सेफ लैंडिंग है, सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग पर हल्की सी क्लैपिंग। जी जी जी। लेकिन मैं कुछ बहुत वक्त इंडिया ने चांद पर अपना झंडा लहराई दिया। हाँ जी, इंडिया ने चांद पर अपना तिरंगा लहराई दिया। अच्छा, ये बच्चों कब मुमकिन होता है? एक मिनट कब एक बंद। अब शांत बोलो। जी शांत बेटा, असल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सामीन को, सोने वाले को, क्योंकि हमारे आस पड़ोस है मस्जिद दो, और आज जुमरात है, जुमरात वाले दिन सारी बात थोड़ा सी नाते वगैरह पढ़ते हैं, और वो अपनी मतलब मस्जिद की खिदमत के लिए स्पीकर भी खोलते हैं। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मुझे थोड़े से टाइम मैनेज नहीं मैं कर सका, लेकिन सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बट जो बच्चा बोलेगा बुलंद आवाज से बोलेगा, जो भी उसे कमेंट करना हो। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे पूछा है कि आपने कभी अपने स्कूल में इस तरह का प्रोजेक्ट देखा है? नहीं सर।
पर गया है और उसने अपने चांद पर झंडा लगाया। ये तरक्की कैसे मुमकिन होती है? आप इस इंडिया की तरक्की पर वन बाय वन क्या कहना चाहोगे? कोई अप्रिशिएशन कह दो, कोई कमेंट देना चाहो उस्मान, कोई कमेंट देना चाहते हो बच्चे ना जी आप अली अदर, अली अदर कोई कमेंट देना चाहते हो इंडिया की सेफ लैंडिंग पर, मून पर जो इंडिया ने अपना झंडा गाड़ा है? अली अदर बच्चे पजल हो गए ना, इसलिए मैं बोल तो बस यही बोलो वेल एंड गुड, बस ये भी काफी है। कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, क्यों पजल हो गए, कंफ्यूज क्यों है? आपने वीडियो पूरी देखी है? कोई भी उसमें देख रहा है? मैं क्या चीज अच्छी लगी मतलब लैंडिंग की जिस तरह अच्छा एक मिनट आप में से किसी को पता है? एक मिनट आप में से किसी को पता है पाकिस्तान ने भी कभी चांद पर लैंडिंग की है? नहीं कि ना कि कभी को पाकिस्तानी मिशन भेजा चांद की तरफ? नहीं। क्यों नहीं भेजा सर जी? वो भेजा नहीं करते, हमारे जो हमारे वजीर आजम है वो तख्त लेना चाहते हैं, कोई करना मानता। सॉरी वीडियो थोड़ी सी पोस्ट करनी पड़ी क्योंकि मैंने पैगाम भी भेजा। खैर अब मैं बच्चों से वन बाय वन पूछूंगा कि बच्चों आपके पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम किया अली अदर पाकिस्तान को मिशन भेजा है? नहीं सर। नो सर। क्यों नहीं भेज रहे हैं? हम क्यों इतने पीछे हैं? मेहनत नहीं करते। अच्छा आप में से नाइन्थ क्लास का कौन सा बच्चा है? बिलाल तुम कौन सी क्लास में हो? मैं जी सेवंथ में जी। तुम मेरे ख्याल में नाइन्थ में हो? सेवंथ में। अच्छा आपके जारे पास सेवंथ एट में भी थोड़ी साइंस पढ़ाई जाती है ना? आपके साइंस के सब्जेक्ट में ये वाला कोई टॉपिक है कहीं स्पेस के रिलेटेड? अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों इंडिया के साइंटिस्ट के लिए क्या कहना चाहोगे? जो इंडिया के साइंटिस्ट मेरा एक पैगाम है। क्या जी? मैं कहता हूँ एक बार क्या लाइक करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। इन लोगों ने अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बड़ी तरक्की की है, बहुत ही तरक्की। रहमतुल्लाह फिर मैं बच्चों से पूछा रहमतुल्लाह मैं भी अपने कमेंट दूंगा भाई इस पर। भाई बिल्कुल ये क्या से ना मैं आज यार मैं कॉलेज में गया हूँ ना, पहले मेरे को छुट्टियां थी तो किसी को मैंने बताया लेकिन ज्यादातर मेरे टीचर्स ने खुद बताया, वो मुझसे बातचीत कर रहे थे इसी चंद्रयान के बारे में और अपने पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में। अच्छा। लेकिन एक हिस्ट्री वाला मेरा टीचर है स्पेशल हिस्ट्री का है, आज मैंने उनसे सच सुना, उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, आई हमारी बहुत ज्यादा बहस चंद्रयान पर और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पर सच क्या है, मैंने आज उनसे सारा पता चला। अच्छा। मुख्तसर उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान जो है ना कुछ नहीं करेगा क्योंकि उनका ध्यान ही सिर्फ सीट अपने जो है ना इकदार की तरफ कैसे बने। तो जी क्या रहा मतलब बातचीत हो रही थी डिस्टर्बेंस हो रही थोड़ी सी इन मौलवियों की वजह से। खैर अच्छा उन्होंने जो है ना मेरी उनसे बातचीत हुई कंक्लूड करें अच्छा भी है ना इंडिया इस तरह कर रहा आगे जा रहा बिल्कुल आगे और मजीद जाएगा, ये उनका कामयाब हो गया मिशन और आगे वो नई से नई जो है ना मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट काम शुरू करेंगे। ऐसे ही है करेगा, हमारे टीचर भी बड़े खुश हो रहे थे बिल्कुल ऐसे ही मैं भी खुश हो रहा हूँ। मैं बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि आप किधर है और इंडिया कहाँ है, तो मिलते नहीं उड़े मुझे तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।